कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवीन नगर निवासी आशीष मिश्रा आरटीआई एग्जीबिट है, जो लगातार जमीनों पर अवैध रूप से बनाई जा रही इमारतों की शिकायत आरटीआई द्वारा कर रहे थे, जिसके चलते कई बार एक महिला द्वारा धमकी दी जा रही थी कि मैं पीसीएस अधिकारी हूं, मैं उत्तरांचल कैडर में तैनात हूं, जिसकी जानकारी आशीष मिश्रा ने आरटीआई द्वारा मांगी तो वह रिपोर्ट में इस महिला का नाम नहीं आया। इसे साफ समझ में आता है यह महिला फर्जी पीसीएस अधिकारी बनकर लोगों पर रौब झाड़ रही थी। वहीं आपको बता दें कि आज उसका पति कई युवकों के साथ आशीष मिश्रा के घर पहुंचकर हमला कर दिया, जिससे आशीष मिश्रा और उनकी पत्नी और मां घायल हो गई। जब बवाल की आवाज़ सुनते ही पड़ोस में बीजेपी के सांसद सत्यदेव पचौरी का मकान है। वहीं सांसद के ओएसडी निधीश पांडे मौके पर बीच बचाव करने पहुंचे तो दबंगों ने उन पर भी हमला कर दिया, उन्हें भी गंभीर चोटें आई हैं। जब आसपास के लोगों ने दबंगों का विरोध किया तो दबंग मौके से फरार हो गए। इसकी शिकायत क्षेत्रीय पुलिस को दी गई, पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की और साथ ही कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। उस चक्कर में एक दो बार उनके घर से कुछ लोग भी आए थे, तो हमने कहा ठीक है बात करते हैं, लेकिन अचानक वो आ गए, उसने मारना शुरू कर दिया। तो कई मोहल्ले वाले आ गए और सामने सांसद जी के साथ में उसके दो तीन लोग और भी थे, लेकिन मैं उनको पहचानता हूँ। क्या वो हथियार के साथ असलहे वगैरह थे? क्या था मतलब, पिस्टल थी कट्टे टाइप देसी टाइप आइटम था, लेकिन वो भाग गए जैसे सामने से सांसद जी के यहाँ पर टीम आई और मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए तो भाग। मालूम हुआ जी पांडे जी हैं, वो भी आ गए थे। अगर जनता या सांसद के यहाँ से लोग या अमित तिवारी नहीं हो तो शायद वो जान सकते।